बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, अमीरा के आप खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ और ईमान में होंगे, आमीन। आज डे 15 है, उसके हवाले से उर्दू का लेक्चर देने लगी हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, जुमले बनाइए। ये कुछ अल्फाज दिए हुए हैं और उनके मायने जो है मैंने ऊपर लिख दी हैं। ये तकनीकी लिखाई है, आपने खुद से जुमले बनाने हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी गाइडलाइन साथ दे दूँगी और इन मायने को मद्देनज़र रखते हुए आपने जुमले बनाने हैं। तो सबसे पहला जुमला क्या है, माली हालात। माली हालात कहते हैं दौलत या रुपए पैसे का पास होना, यानी कि दौलत पास होने की हालत, ठीक है। तो इसका जुमला आप ये भी बना सकते हैं कि सब लोगों के माली हालात एक जैसे नहीं होते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ जाता है महरूम। महरूम यानी किसी चीज़ का ना मिलना। तो इसका जुमला ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को बहुत सी आसानियाँ और वसाइल दिए होते हैं, लेकिन कुछ लोग उनसे महरूम होते हैं, ठीक है। उससे नेक्स्ट वर्ड आ जाता है मुसाफिर। मुसाफिर किसे कहते हैं, सफ़र करने वाले को, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर गरीब मस्कीन मुसाफिर ज़ईफ सब लोगों की जो है वो मदद की, ठीक है। उससे नेक्स्ट क्या है, अब आपका जी उससे नेक्स्ट वर्ड है जी आपका यतीम। अब यतीम किसे कहते हैं, जिसके सर पर बाप का साया ना हो, ठीक है। यतीम लोगों की मदद करना सवाब का काम है, ठीक है। ये जुमला भी आप बना सकते हैं। लास्ट वर्ड है खिदमत। खिदमत का मायने देखभाल करना, यानी कि ख्याल रखना, मदद करना, ठीक है। हमें गरीब लोगों की खिदमत करनी चाहिए, ठीक है, बूढ़े लोगों की खिदमत करनी चाहिए। कोई से भी जुमले जो हैं वो आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। फाइव क्लास, ओके, अल्लाह हाफिज़।